सो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोग, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ भाई मैं बाहर, मतलब बाहर जाने से। अभी मैं जा रहा हूँ स्टोर पे। मैं तो मस्त नहाना हो गया है। अभी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करने वाला था, लेकिन तभी दीदी ने उठा दिया भाई स्टोर पे जाने के लिए। दीदी को शैम्पू चाहिए अभी मेरे को। यार 10-10, 11-11 बजे आते हैं अभी। एनीवेज चलो फटाफट से स्टोर पे चलते हैं और शैम्पू ले के आते हैं। सो भाई लोग फाइनली डव लेके मैं आ गया हूँ, बिकॉज दीदी डव के सिवा कुछ यूज़ नहीं करती ना। चलो फटाफट से मस्त घर पे चलते हैं। और भाई थोड़ी सी दिक्कत हो रही स्टेबिलिटी की, वो आई थिंक सो कल सॉल्व हो जाएगी, कल या फिर आज शाम तक सॉल्व हो ही जाएगी। बिकॉज देखो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो रही है ना स्टेबिलिटी, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं आज। सो भाई लोग अगेन मैं जा रहा हूँ स्टोर पे, बिकॉज वो बर्तन धोने के लिए जो लगते हैं ना, वो क्या लगता है उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जिससे वो घसते सब, तो वो लेने जाना है फिर से। यार मम्मी जी को तभी भी याद नहीं आया मैं जब गया था, हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ YT। भाई मैंने कसम से 3 दिनों से, मतलब 3 दिन हो गए मैंने किसी के व्लॉग्स नहीं देखे। अरे रुको, पहले ये लो, हो भी गया मेरा रियलमी C25S सेवड ईयर वाईफाई कनेक्टेड इधर। तो फटाफट से, अरे हो गया यार, हाँ अब स्टार्ट होगा भाई। मस्त है भाई। ओ भाई अभी जस्ट व्लॉग आया सौरा भाई का, और हाँ मस्टैंग GT शायद से आ गई बाबू भैया की, देखते हैं भाई। मुझे पता नहीं, मैं 3 दिन से व्लॉग नहीं देख रहा हूँ। तो भाई लोग चलो, अपना खाना मस्त रेडी हो गया है मस्त। आज रोटी है, खिचड़ी है, ये सब्जी है, दाल है कौन सी, और हरी सब्जी मस्त। चलो फटाफट से खाते हैं लोग। अभी फ़िलहाल मैं मस्त खाना वाना खा के बाहर आया था, और मुझे अभी जस्ट अटेंड कहा गया उसको, स्कूल को छोड़ के आना है। मैं मस्त बाइक की चाबी अभी लेके बाहर आया हूँ भाई। पापा जी अभी घर पे आए हैं सुबह से, पता मतलब कुछ काम से बाहर गए थे, सुबह से अभी जस्ट आए पापा जी। तो चलो फटाफट से चलते हैं हर साड़ी को छोड़ के आते हैं। तो भाई लोग चलो, अपना हेलमेट आ गया मस्त। तो भाई लोग चलो फाइनली अभी फ़िलहाल मैं घर पे आ गया हूँ भाई, पूरा थक गया मैं। तो अभी चलो मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, बिकॉज हमारा फ़ैन ख़राब हो गया था ना, तो फ़ैन रिपेयर करा है। हाँ दरवाज़ा लगाना बाकी, तो फ़ैन रिपेयर होके तो आ गया, बस अभी उसको वापस लगाना है। तो टेबल के ऊपर ये रखने से थोड़ी मतलब हाइट मिल जाएगी ना, तो उससे ईजिली हो जाएगा। चलो तो टिकट तो पाऊंगे हाँ। तो भाई लोग फाइनली ये वाला फैन रिपेयर हो गया। देखो मतलब दिक्कत क्या हो रही थी, नाइट में ना बहुत ज़्यादा शोर करता था, अभी शोर भी नहीं है और हवा भी ज़्यादा आती है, पहले हवा भी कम आती थी इससे। अभी देखो मस्त दे रहा है। सो भाई लोग अभी फ़िलहाल मस्त आ रखा है भाई पानी, और मैं पानी भर रहा हूँ यहाँ पे। एक टंकी फुल हो गई है, दूसरी अभी ऑलमोस्ट होने पे ही है, मतलब थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं। और ये दोनों तो फुल ही है, बस थोड़ा सा पानी इधर मतलब ये जो टंकी धोई मैंने उसका थोड़ा सा पानी यहाँ पे वेस्ट हो गया गलती से, ऐसे मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। बस बचा क्या है, अंदर के सब तो ऑलमोस्ट भरे हुए ही हैं, बस ये 2-4 बर्तन बचे हैं, वो सब भरने के बाद सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं भाई। तो चलो जब तक टंकी भरती है भाई, अपना मतलब पढ़ाई कर रहा था मैं, तो सब पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। वैसे भी 6-7 दिन की तो छुट्टियां हैं, उसमें हमारा जो होमवर्क कवर अप हो जाएगा। सो भाई लोग अभी फ़िलहाल रिपेयर ये वाला फ़ैन हो के आया है, बिकॉज इस रूम का भी फ़ैन है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो ये वाला भी फ़ैन निकलवा दिया था, तो भी रिपेयर होके आ गया फिर से इसको सेट करना।
सो भाई लोग अभी फिलहाल हो रखी थी मस्त शाम, और पापा जी अभी अभी जस्ट घर आए हैं विद सरप्राइज। पापा जी नए गद्दे लेके आए, बिकॉज ये जो पुराना वाला गद्दा है ना, देखो भाई कहाँ कहाँ से फटा पड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा काम चला ही है, बस अभी ये थोड़ी सी स्पंज की लेयर थी और उसके अंदर ये फुल ग्रास वास थी, तो वो भी फुल फट गए। तो ये एक है और एक है, मतलब दो लेके आए, लेकिन भाई जगह का थोड़ा सा इशू होने वाला है, बिकॉज देखो ये एक इतनी बड़ी है और इसके ही साइज़ की एक होगी, और ये वाली मेरी है जो कि यहाँ पे होती है, तो साइज़ का थोड़ा सा इशू होने वाला है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा। चलो और एक है वो लेके आते ऊपर। तो भाई लोग फाइनली अभी फिलहाल दोनों ला लिए, बस इनको ऐसे ऊपर रखना पड़ेगा, बिकॉज खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे मस्त है भाई, सॉफ्ट 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 है, कसम से सॉफ्ट है, उतरने दो। हाँ तो नाइट में ना नीचे कुछ तो डालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ऊपर से डालने पड़ेगी, लेकिन साइज का इशू तो होगा भाई, कन्फर्म होने वाला है, वो सिर्फ नाइट को ही पता चलेगा, देखते हैं क्या क्या होगा। तो भाई लोग फाइनली देखो मम्मी जी ना इनके मतलब कवर भी लेके आ गई हैं, तो अभी जस्ट एक मिनट में, सॉरी ये वाले एक चुटकी में मतलब दोनों पे कवर लग जाएगा। लो भाई हो गया ना एक मिनट में चेंज। नहीं भाई कसम से इतनी मेहनत लगी ना इसको चेंज करने में, हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से मम्मी जी आई जस्ट ये दे के निकल गई मस्त, अभी इनको मस्त भाई वैसे तो स्पंजी है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी इसी पे सो, लेकिन नहीं सो पाऊंगा, दीदी और बसों नहीं देंगे भाई, बिकॉज उनकी है ना गद्दे, तो मैं भी पहले बहुत उछलता था भाई, मेरा मतलब ये मेरा पर्सनल गद्दा होता था और ये उनका इतना मोटा सा, मतलब स्मूथ था वो भी ऐसा, लेकिन थोड़ा सा रफ हो जाता है ना धूप में, उसको बार बार नहीं डाल सकते, बहुत वजनदार है भाई वो, उसको उठाने में हालत ख़राब हो जाती ना, तो उसको बार बार हम धूप में तो नहीं डाल सकते। मेरा वाला तो ऐसा समझ लो ऑलमोस्ट मैं छः दिन में दो तीन बार तो आराम से डाल देता हूँ, इसलिए मेरा ऑलमोस्ट एकदम स्मूथ होता है, तो मैं मतलब मज़े लेता था भाई उनके, अब वो मेरे मज़े लेंगे, बिकॉज ये ओवर स्मूथ है, ये इतना मस्त है मुलायम है, और मेरा ये देखो छोड़ो। एनीवेज अभी ये पहले अभी आज से हम कैसे सोने वाले, ये जो नीचे गए ना ये ऐसे डालेंगे और उसके ऊपर ये दोनों डालेंगे और साइड में मेरा वाला होगा। सो भाई लोग अभी फिलहाल मस्त खाना वाना हो गया है भाई, मैं अभी ऊपर आया हूँ एडिटिंग करने के लिए, मतलब हाफ एडिटिंग हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी है। नीचे सब भाई तीनों बहनें नीचे मस्त रेडिएट्स देख रही, जो कि मेरी भी फेवरेट है, तो बाकी एडिटिंग बाद में कर लूँगा भाई, मेरा भी मन कर रहा है देखने जाने का, मस्त थिएटर वाली वाइब्स आ रही है, बिकॉज लाइट्स वाइट सब बंद कर रखे हैं, सिर्फ टीवी चल रही है ऊपर से हाई वॉल्यूम, पापा जी कसम सो गए ना रूम बंद करे तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त हाई वॉल्यूम में टीवी चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, होप सो आप सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कभी कभी इतना स्पीड में करना पड़ता है भाई, एंड देखने जाना है मुझे, बाय।